तो जहां बिहार में एनडीए का सीट बंटवारा हो चुका है, नाम तय हो चुके हैं, वहां महागठबंधन के बीच में सीट बंटवारे का पेच अभी तक फंसा ही हुआ है। कायदे से तो कल ही सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के बीच अभी फाइनल नंबर ही तय नहीं हो पाया है और यही वजह है कि पूरा मामला इस समय खिंचता जा रहा है। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का फंसा पेच, जीतन राम मांझी भी असंतुष्ट। बिहार में कांग्रेस का 11 सीटों पर दावा, सूत्रों के मुताबिक आरजेडी 8 सीटों पर तैयार। कांग्रेस ने कहा, एडजस्टमेंट में वक्त लगता है, सिर्फ सीटें बांटना नहीं है, जीतना भी है। तेजस्वी की नसीहत, चंद सीटों के लिए अहंकार नहीं छोड़ा तो जनता माफ नहीं करेगी। कांग्रेस आरजेडी में बात नहीं बन पाने की वजह से अभी तक सीट बंटवारे का ऐलान नहीं। महागठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी के लिए कांग्रेस से आधी सीटें मांगी हैं। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर लिखा है कि अगर इस बार विपक्ष से कोई रणनीतिक चूक हुई तो फिर देश में आम चुनाव होंगे या नहीं, कोई नहीं जानता। वहीं आरजेडी प्रवक्ता शिवानंद तिवारी का कहना है कि कांग्रेस को 11 सीट मांगने का अधिकार नहीं है। प्रॉब्लम है एकदम बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि हाथी निकल गया है, दुम उसका फंसा हुआ है, दुम को निकाल करके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ना, सही बात कहा है। और कांग्रेस 11 सीट पर कहे के लिए लड़ेगी भाई बिहार में? कांग्रेस को घटाना चाहिए और लोगों को बढ़ाना चाहिए। ये है जीतन बाबू जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फाइनल वो नहीं है। कांग्रेस की महत्ता को, कांग्रेस के कर्म को, कांग्रेस ने जो देश की सेवा की है उसको हम कहां नकार रहे हैं? हम कह रहे हैं सारे चीज ठीक है, लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसमें हम कहते हैं कि हम उनसे कम नहीं है। वैसी परिस्थिति में हम तो आधा ही सीट मांग रहे हैं, वो 12 मांगे, वो 30 मांगे, 25 मांगे, वो उनकी बात, उसको हम कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं।